और भाई क्या हाल है। बड़ा ही स्पेशल दिन है आज मेरे लिए, क्योंकि आज लास्ट ब्लॉग है 365 में 365 करने का। इसका मतलब ये नहीं है कि बनाना बंद कर दूंगा, पर खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा कि 365 में 365 कर दिए, क्योंकि मेरा पहला 365 में 365 था और मेरे को उम्मीद नहीं थी कि पूरा होगा। कि सही बता रहा हूँ, क्योंकि हर रोज़ एक वीडियो डालना शुरुआत में तो बहुत मुश्किल लगता था, धीरे धीरे आदत होने लगी। फिर उसके बाद अपने आप से भी आप लड़ते हो ना बीच में कि यार समझ ही नहीं आ रहा क्या डालूँ क्या ना डालूँ। फिर धीरे धीरे समझ आने लगा क्या डालना है, क्या क्या किया जा सकता है। प्लेटफॉर्म का ज्ञान होने लगा कि अच्छा कुछ भी आप कर सकते हो और गलत नहीं है वो, मतलब है ना, जब तक कि आप किसी को अब्यूज़ ही नहीं कर रहे या किसी के साथ लड़ ही नहीं रहे या किसी और को कुछ गलती नहीं कह रहे तब तक वो बात अलग है, पर वो हम नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा सब करना सही है इसके ऊपर, तो वो सब भी पता लगा कैसे कैसे करना है। और भाई सही बताऊँ तो 2 साल में ना, मतलब सही में बहुत अच्छे से सीखने को मिला है। और 365 में 365 में तो बहुत बढ़िया से सीखने को मिला है। पहले जैसा मैं आदमी हुआ करता था ना, कि मतलब जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है उसको भी मैं चाहता था कि ये मेरे कंट्रोल में हो, मतलब मेरे हिसाब से चले। तो मतलब ना काइंड ऑफ इम्पेशेंस की तरफ पॉइंट आउट कर रहा हूँ मैं इस स्टेटमेंट को कह के, मतलब काफ़ी इम्पेशेंट था मैं, पर इसने काफ़ी पेशेंस सिखा दी है। मतलब अब जैसे मान लो चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो करते हुए भी मेरे को काफ़ी टाइम हो गया है। तो मैं मतलब हर आदमी क्रिएटर के हाथ में रहता ही है यार, ये कब चलेगा कब चलेगा कब चलेगा। और मेरे भी दिमाग में है, ऐसी बात नहीं है, पर पहले बहुत ज़्यादा था कि यार कब कब कब, बहुत इम्पेशेंट था मैं पहले। अब नहीं हूँ, अब पता है कि किसी चीज़ को करने में टाइम लगता है, होने में टाइम लगता है, मुझे ऐसे करना कहना चाहिए। क्योंकि मैं तो कर ही रहा हूँ ना रोज़, अब रोज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट ही डाल सकते हैं, आउटपुट तो जब आना है वो तभी आना है। तो आउटपुट तो इस गेम का अपने हाथ में है ही नहीं पहली बात, तो खुद से सोचना कि यार आज आ जाए या जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए, वो सब होना गलत है। तो मतलब है ना समझ आने लगा वो, जब जैसे जैसे चलने लगे जर्नी पे, फिर समझ आया कि अच्छा ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो आपको पेशेंस बढ़ाना पड़ेगा, साथ में खुश रहना सीखना पड़ेगा। खुश या नहीं, कि जैसे अब पता है जैसे कितने व्यू आते हैं मेरे को, 10 11 12, अब तो उतने भी नहीं है मेरे ख्याल, 7 8 हैं। पर मतलब है ना मेरा दिमाग ख़राब होना चाहिए इस टाइम की, सिर्फ 7 8 व्यू, सिर्फ 7 8 व्यू, पर नहीं हो रहा है। क्योंकि मेरे को पता है टाइम जो लगना है सो लगना ही है। अब मेरी वाली ऑडियंस अभी मुझे नहीं मिली है, ऑडियंस वाली बात भी नहीं है यार इस गेम पे ना, आपको मतलब खुश रहना सीखना पड़ेगा। नहीं सीखोगे तो फिर मुश्किल है जीना बहुत, क्योंकि दुखी होने के तो बहुत सारे कारण रहते हैं रोज ही, और दुखी रहने लगे तो फिर ज़िंदगी का मज़ा नहीं आएगा। आपको ज़बरदस्ती ना खुश रहना सीखना पड़ेगा, तो रिगार्डलेस ऑफ कितने भी व्यूज़ आते हैं, मुझे मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कितने व्यूज़ आ रहे हैं। अब पहले पड़ता था कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं पर नहीं हो रहा है, अब है कि मेहनत तो कर रहे हैं पर जब आना तभी आना। तो मतलब मेरी साइड से इनपुट फुल है 101%, या कितने भी परसेंट लगा लो, भाई मच्छर चला जा कितना भी इनपुट लगा लो, पर वो जब होना तभी होना है। इसलिए मैं बस अपना बेस्ट देता हूँ रोज़, जैसे कि देता आ ही रहा हूँ, जब होना वो तो तब हो ही जाएगा। मज़ा बहुत आ रहा है इसे करने में, अभी भी ऐसा नहीं कि मैं छोड़ रहा हूँ इसे, ना ही छोड़ूंगा मैं जब तक है ज़िंदगी दी भगवान ने, छोड़ूंगा नहीं। प्लेटफॉर्म बहुत ही ज़बरदस्त है ये, तो इसको छोड़ना तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। और मतलब यार फ्रीडम देखो इसके साथ कितना मिलता है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब आपको मज़े करने हैं, मज़े लेते हुए कि वीडियो डालनी है, और वीडियो पे आपको मोनेटाइज किया जाएगा थोड़े टाइम बाद या जब भी होगा। पर लेकिन ये भी तो सोचो ना, मतलब फ्रीडम कितना ज़्यादा है। वहीं जैसे मान लो जॉब जूब पे जाते हैं तो आप किसी एम्प्लॉयर के अंडर हो, है ना, मतलब किसी और की आपको सुननी पड़ेगी क्योंकि वो हेड है और उसे बाकी सब मैनेज करना है। यहाँ पर आपने ही मैनेज करना है, आपने ही सब कुछ करना है, और उसका भी आपको मोनेटाइज मतलब मोनेटाइजेशन मिलेगा। मैं कैसे समझाऊँ, मतलब है नहीं, फ्रीडम इतना ज़्यादा है ना इसमें, तो वर्थ है करना चाहे कितने भी साल लो। मतलब होता है ना कुछ चीज़ें, होता है कि आपने 2 3 4 साल ट्राई कर लिया पर फील आ रही है कि नहीं यार अब सही नहीं लग रहा है। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि मतलब ना एक तो खुशी बड़ी मिलती है कि अपने अनुसार आप कर सकते हो सब। अब मेरे को ऐसा कोई कहे ना कि कोई और काम करना है जो कि मेरे से रिलेटेड नहीं है, और तेरे को जागना पड़ेगा 1 बजे तक 1:30 बजे तक या 2 बजे तक भी, मेरी तो भाई 10 बजे हालत ख़राब हो जाती है। सही बताऊँ मैं इतनी देर तक तो जागता ही नहीं। वही जब मेरे को अपना काम करना होता है, जैसे ये वीडियो वगैरह बनाने का, नींद आ भी रही है, आँखें ऐसे ऐसे मल रहा हूँ, मुझे पता है नींद आ रही है, बट स्टिल कहीं से ना पार होती है अपने अंदर की नहीं यार ये चीज़ तो अपनी है, इसको मैं जाने नहीं दूंगा।
और फिर मैं फिर से वापस से अपने आप को जगा पाता हूँ। फिर 2:30 3, अब मतलब पहले तो ऐसे होता था 10 साढ़े 10, 10:30 मैक्सिमम, उससे ऊपर तो मैं जागता ही नहीं था। अब ऐसे है इस काम में, अपने वाले में, जैसे ये वीडियो बनाता हूँ मैं रोज़, कभी कभार वैसे सो जाता हूँ, मतलब 11 बजे तक मिल जाता है सोना, पर 2:30 भी बज जाते हैं, कई बार 3 भी बज जाते हैं, 1:30। तुमने कई बार वीडियो में देखा, कभी कभार तो मैंने रात को भी वीडियो बनाई है, तुमने वो भी देखा है। तो मतलब है ना, काम इतना सही है, ये तो वर्थ है इसके लिए स्ट्राइव करना। इससे तगड़ी चीज़ तो मेरे को ना आजकल कोई लगती नहीं है। मतलब पापा भी कई बार काम देते हैं ना मेरे को, कहेंगे ये कर दे वो कर दे, पर मेरे दिमाग में यही चल रहा होता है और काम फिर छूट जाता है, इसलिए हमारी बहस भी होती है। तुमने देखा, और स्पेशली तुमने पापा को भी ये देख लिया। अब तो पहले जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तब सब कैमरा शाय ही थे, मैं भी था थोड़ा तो वैसे, क्योंकि रोज़ वीडियो नहीं डालता था मैं। रोज़ वीडियो डाल डाल के ये है कि एक्सपोजर और अच्छा मिला है, और अच्छा ग्रो कर पाया हूँ, मतलब अपने आप को ना, कि एक्सपोजर इन द सेंस कि जैसे मैं यहाँ बाहर आके कर रहा हूँ। अभी तो बेशक पार्क में कोई नहीं है, पर तुमने वैसे भी देखा, जब बहुत सारे बंदे होते हैं, ये बंदों के साथ भी होता हूँ जो नहीं भी जानते, पहली बार उनके साथ मान लो जैसे खेल रहे हैं वगैरह, तो कॉन्फिडेंस रहता है ऐसे करके बोलने का। मुझे पता है यार, इसमें नहीं बोलेंगे तो और कहाँ बोलेंगे, मतलब है ना, मैं अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता, वो वाली बात है। तो शुरुआत में तो तुमने देखा था कि पापा नहीं थे, फिर पापा को भी मजा आने लगा देख देख के मेरे वीडियो, और फिर पापा भी साथ में आ गए। अब तुम देखते ही हो रोज़ पापा को व्लॉग में, तो मज़ा काफ़ी आ रहा है करने में, और करते रहेंगे हम। और बस तुम सबको मैं थैंक यू कहना चाहता था, जितनों ने भी देखा, 7 8 10 15 20 50 लोग जितने भी हैं, 0 से तो बढ़िया ही है। तो मैं तो अपनी वीडियो डाल रहा हूँ डाल रहा हूँ डाल रहा हूँ, वो जब आना है ब्रेक थ्रू तब आ ही जाएगा, पर थैंक यू इस चीज़ का है कि एटलीस्ट हर रोज़ कोई ना कोई देखने आ ही जाता है। मतलब पहले तो मेरे को ये होता था यार, कोई नहीं देख रहा कोई नहीं देख रहा, फिर मेरे को थोड़ा सा जागरूकता हुई अंदर से कि नहीं यार, एटलीस्ट 7 8 लोग तो हैं ना जो देख रहे हैं। अब ये भी नहीं कि मतलब व्यू के चक्कर में कि यार सिर्फ 7 8 ही व्यू है, मतलब है ना, मतलब ऐसा कहना चाह रहा हूँ मैं कि मैं कुछ तो ऐसा कर रहा हूँ कि जो कोई और देखना चाहता है। तो हम धीरे धीरे फिगर आउट कर रहे हैं कि और क्या क्या हम मतलब मैं कर सकता हूँ तुम सबके बढ़िया देखने के लिए। बाकी जैसा मेरे को बेस्ट लगता है वैसे तो मैं कर ही देता हूँ, और तो ज़्यादा सोचने वाला काम होता नहीं है यहाँ पे। मतलब है ना, बहुत ज़्यादा सोचो ना, अगर ज़्यादा परफेक्शन में जाओ आप इस प्लेटफॉर्म पे, तो फिर आप उलझ जाते हो। तो यहाँ पर ना इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन ज़्यादा चाहिए बजाय कि प्लानिंग के, क्योंकि इतना वाइल्ड है ना ये प्लेटफॉर्म, मतलब क्या ही बताऊँ, कुछ भी आप करो जब गलती नहीं है यहाँ पे, तो मतलब है ना सब चीज़ों के चांसेस हैं कुछ भी कर देने के। मतलब ब्रेक थ्रू भी दिला सकती है, या बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू भी दिला सकती है, हो सकता है आपको किसी और चैनल की तरफ डायरेक्ट कर दे, चैनल मतलब किसी और चीज़ में आप मदद वगैरह ढूंढ रहे हो, मान लो जॉब वगैरह में, जैसे मान लो कोई रोना पिटना ही शुरू कर दे कि यार इतने साल हो गए नौकरी नहीं लगी ये वो वगैरह, तो क्या पता कोई एम्प्लॉयर आपकी वीडियो देख ले और हो सकता है आपको जॉब भी मिल जाए। मतलब प्लेटफॉर्म खतरनाक है यार, इसीलिए मिस तो मैं नहीं करूँगा इसे आगे के लिए भी, आगे भी वीडियोज़ आते रहेंगे, कितने भी लोग देखो ना देखो पर वीडियो ज़रूर आएगी। और मज़ा मेरे को काफ़ी आया, 2 साल में काफ़ी अच्छा ग्रो करने को मिला पूरा इसमें, और इन 365 में तो स्पेशली मतलब बहुत सीखने को मिला है। काफ़ी लंबी स्पीच दे दी, लेकिन आज बनती भी थी, क्योंकि स्पेशल डे तो है ही मेरे लिए। मतलब खुद की बहुत डेवलपमेंट हुई है, खुद भी अचीव किया है एक माइलस्टोन मैंने, मतलब इतनी तगड़ी कंसिस्टेंसी के साथ मैंने कभी पहले किया नहीं था, कर दिया है। अब की बार आगे फिर से करेंगे और करते रहेंगे जब तक है दम, मतलब कैसे ही समझाऊँ मैं तुम्हें, बस करते रहेंगे ऐसे समझ लो। और उम्मीद करता हूँ तुम्हारे को भी ये 365 के 365 में वीडियोस पसंद आए होंगे, सारे के सारे तो नहीं कह सकता, पर कुछ तो पसंद आए ही होंगे, इतना तो मैं कह सकता हूँ। मतलब है ना, इतनी कर तो वीडियो बनानी आ गई है मेरे को, इतना मैं अपने बारे में कह सकता हूँ। बाकी ऐसे ही बने रहना, और 7 8 7 8 जितने भी हैं ये मल्टीपल आए होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे आगे, हमें पता भी नहीं लगेगा ये कब हो गए, एकदम सही होगा अब ये जो भी होगा। क्योंकि वैसे सही बताऊँ ना, कंसिस्टेंटली जो मेरे को व्यू आते हैं थोड़े बहुत ही आते हैं, बहुत थोड़े, पर थोड़े थोड़े करके चलो बढ़ रहे हैं। उस रेट पे हम बड़े नहीं हो सकते, तो बड़े होने के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू चाहिए, वो आएगा तभी अगर हम करते रहेंगे, मतलब मैं करता रहूँगा और तुम अगर देखते रहोगे तो तुम जो हैं वो बहुत सारे हो जाएंगे एक दिन, पता भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए हम इस जर्नी पर चलते रहेंगे, और थैंक यू आज की वीडियो देखने के लिए, पर
पसंद आया होगा कि नहीं वो तो तुम ही देख लो यार, उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता, पर मुझे तो लगा कि ये आज कहना ज़रूर बनता है और इसीलिए मैंने कहा। तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं कल अगली वीडियो पर, बाय।